फिल्म स्टार्ट होती है और एक फैमिली दिखाई जाती है और एक लड़का व्हीलचेयर पर दिखाया जाता है। उसके बाद फ्लैशबैक में एक कहानी बताई जाती है। कैम्ब्रिज इंग्लैंड का 1963 का वक्त दिखाया गया है। यहाँ दो लड़के दिखाए गए हैं जो साइकिल की रेसिंग कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का ऑप्टिकल ग्लासेस पहना हुआ दिखाया है, जो मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसका नाम स्टीफन हॉकिंग्स है। उसके बाद वो एक घर में चले जाते हैं जहाँ एक पार्टी हो रखी होती है। यहाँ पर दो लेडीज़ दिखाई गई है जो पार्टी में रहती है, और उसमें से मूवी का सेकंड मेन कैरेक्टर है जिसका नाम जेन है, उसे स्टीफन हॉकिंग्स जब पहली नज़र में देखता है तभी उसे हेलो कहने के लिए उसके पास आ जाता है। जेन उस पर पूछती है कि तुम कौन हो। स्टीफन उस पर कहता है कि कॉस्मोलॉजिस्ट। जेन कहती है ये क्या होता है। उस पर स्टीफन कहता है कि ये एक मजहब की किस्म है उनके लिए जो जहरीन एथलीस्ट होते हैं। उस पर वो लड़की पूछती है कि कॉस्मोलॉजिस्ट की इबादत क्या होती है। उस पर स्टीफन कहता है कि वन सिंगल यूनिफाइंग इक्वेशन जो दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ को बताती है। फिर वहाँ से जेन जाने के लिए तैयार हो जाती है और जाते जाते स्टीफन को कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन इस इक्वेशन को पा लोगे और तुमसे बात करके अच्छा लगा। उसके बाद एक क्लास दिखाई गई है जहाँ प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि तुम अब अपने डॉक्टोरियल जर्नी के तरफ जा रहे हो। उनको एक क्वेश्चन पेपर देते हैं और उन्हें उसे सॉल्व करने के लिए कह रहे होते हैं। उसके बाद सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन स्टीफन की दोपहर के बाद आँख खुलती है। वहाँ उसका फ्रेंड आता है और वो उसे पूछता है कि तुमने अब तक किन सवालों का जवाब दिया है। स्टीफन ने एक्चुअली किसी भी सवाल को देखा नहीं होता है, और वो उसकी कंडीशन को देखकर उसका दोस्त उसे पूछता है कि तुम वाकई में फिजिक्स PhD इतने मशहूर इंग्लैंड के कॉलेज में करना चाहते हो। तो उस पर स्टीफन हाँ में जवाब देता है। उसका जवाब सुनकर उसका फ्रेंड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद स्टीफन उठता है और म्यूज़िक प्ले करता है, जो कि उसे म्यूज़िक का बहुत शौक़ होता है। तो म्यूज़िक सुनते सुनते वो क्वेश्चंस प्रोफेसर ने जो दिए रखे होते हैं वो उनको पढ़ना स्टार्ट करता है। पढ़ते पढ़ते उसका हाथ एक बड़े से कप पर लग जाता है और वहाँ पर वो कप वहाँ से गिरने की वजह से उसके कुछ पेपर्स स्पॉइल्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर की फिर से क्लास होती है, जो कि स्टीफन वहाँ पर भी लेट आ जाता है क्लास में। क्लास में आने के बाद वो सबको सॉरी कहता है। प्रोफेसर सबका वर्क चेक कर रहे होते हैं और स्टीफन से भी उसका वर्क मांगते हैं। स्टीफन ने अपना पूरा वर्क एक कार्ड पर किया हुआ रहता है जो वो सर को दिखाता है। सब बाकी के स्टूडेंट देखकर वो चौंक जाते हैं और वो कहता है उनसे कि मैंने सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। वो सुनकर बाकी के स्टूडेंट कहते हैं कि सिर्फ 9। और उसके बाद उसके प्रोफेसर उसके आंसर चेक करते हैं और उससे कहते हैं कि ब्रावो। उसके बाद वो उन्हें स्टीफन को लैब में लेके जाते हैं। एक स्पेशल लैब रहती है, वहाँ पर जाके वो स्टीफन से कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर J.J. थॉमसन ने किया था और एटम को स्प्लिट रदरफोर्ड ने किया था। अगले फ्राइडे कुछ ग्रेजुएट मेरिट्स को मैं लंदन लेके जा रहा हूँ, तुम चाहे तो उसमें शामिल हो सकते हो। क्योंकि वो सब वहाँ मैथमेटिशियन रोजर पेनरोस को अटेंड करेंगे। के बाद वाले सीन में स्टीफन अकेला बैठा हुआ होता है, जो चर्च जिस चर्च में जेन जाती है उसके बाहर वो बैठा हुआ होता है। वहाँ पर जेन बाहर आती है और वो उससे डिनर के लिए पूछता है। जेन स्टीफन के घर चली जाती है, वहाँ उसकी फैमिली होती है, वो वहाँ पर डिनर के लिए जाती है और उसके फादर जेन से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ रही हो। वो कहती है हाँ मैं आर्ट्स पढ़ रही हूँ। उसके बाद स्टीफन जेन के साथ बातें करता है। वे बातें करते हैं कि सितारे कब पैदा हुए और कब ख़त्म हो जाएंगे। ये सब अल्ट्रा वायलेट रेज लेते हैं। जब अल्ट्रा वायलेट रेज रात में भी हो तो सभी तारे लगभग डिसअपियर हो जाएंगे। उसके बाद वो बहुत सारी साइंस से रिलेटेड बातें जेन के साथ करता है और उसके बाद जेन को भी अच्छा लगता है और बड़ा सा फायरवर्क आसमान में होता है। अगली मॉर्निंग स्टीफन को कुछ बॉयज़ के साथ कहीं पर जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो भागते भागते स्टीफन का पैर लड़खड़ा जाता है, फिर भी वो खुद को हैंडल करके कैसे तो भी ट्रेन में चला जाता है। और वहां पर जाके वो
एक प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड करते हैं। स्टीफन लेक्चर बहुत ही गौर से सुनता है और अपनी डीप थिंकिंग में गुम हो जाता है। उसके बाद स्टीफन कॉफ़ी के कप की तरफ देखता है और मन ही मन में सोचता है कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल थ्योरी को पूरे यूनिवर्स में अप्लाई कर दे तो। उसके बाद वो अगली सुबह जेन के साथ दिखाया है, वो जेन के साथ इस बारे में डिस्कशन करता है कि अगर आइंस्टाइन ठीक है और जनरल रिलेटिविटी भी सही है तो इसका मतलब दुनिया एक्सपांड कर रही है, और अगर हम टाइम को पीछे ले जाए तो ये दुनिया छोटी से छोटी हो जाएगी, और अगर हम इसे रिवर्स कर दे तो बिल्कुल वक्त के एकदम शुरू में खुद वक्त के साथ क्या क्या हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद स्टीफन प्रोफेसर के पास दिखाया जाता है और वो स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी के बारे में कुछ इक्वेशन ब्लैकबोर्ड पर लिख रहा होता है, और फिर वो प्रोफेसर से कहता है कि ये दुनिया एक ब्लैक होल को एक्सप्लोड करने के बाद पैदा हुई है। यह सब कुछ कहकर वो बाहर आ जाता है। वो चल ही रहा होता है, फिर उसका पैर मुड़ जाता है अचानक से और वो गिर जाता है। वहाँ गिरने के बाद उसकी रियल स्टोरी शुरू हो जाती है। स्टीफन का डॉक्टर द्वारा चेकअप किया जाता है, उसमें डॉक्टर बताते हैं कि उसे मोटर न्यूरॉन डिसीज़ हो गया है, जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बढ़ता ही जाता है और उसमें जो कि दिमाग में मौजूद तमाम सेलों को तबाह कर देता है, जो कि इंसान की मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बोलना, चलना, खाना, निगलना, ये सब कुछ। इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, और इस परिस्थिति में सिर्फ लोग 2 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। ये सब कुछ सुनकर स्टीफन खामोश हो जाता है। ये एक्टिविटी दरअसल दिमाग देता है, पर आहिस्ता आहिस्ता मस्कुलर सब डीके हो जाता है। ये सब कुछ सुनकर स्टीफन घबरा जाता है और उस पर डॉक्टर से पूछता है कि आपका ब्रेन के बारे में क्या ख्याल है। उस पर डॉक्टर कहता है कि ब्रेन पर कोई भी असर नहीं होता इस बीमारी का, तुम्हारी थिंकिंग वैसी की वैसी ही रहेगी, सोच में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये सब बात बताकर डॉक्टर वहाँ से उसे सॉरी कहकर अकेला छोड़कर चला जाता है। जेन को और स्टीफन के फ्रेंड्स को इस डिसीज़ के बारे में पता चल जाता है और स्टीफन इन सबको अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। जेन फिर भी स्टीफन के पास आती है और वो कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और उसके बाद स्टीफन स्टिक पकड़कर कैसे तो भी चलने लगता है और वो किसी क्लास में जाके वर्ल्ड टाइम कहता है। और उसके बाद जेन स्टीफन के डॉक्टर के साथ मिलती है और वो उनसे पूछती है, उस पर डॉक्टर कहता है कि जेन डॉक्टर से कहती है कि हम दोनों मिलकर इस डिसीज़ के साथ फाइट करेंगे। उसे पता होता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, फिर भी वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और स्टीफन के साथ ही रहने का डिसीजन लेती है। स्टीफन के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, सिर्फ 2 साल। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो डिसीज़ स्टीफन पर हावी होने लग जाता है, फिर भी वो यूनिवर्सिटी जाना छोड़ता नहीं, वो रोज़ यूनिवर्सिटी जाता है क्योंकि उसको उसकी लाइफ में कुछ करना होता है। अब स्टीफन के हाथ में 2 स्टिक्स होते हैं और प्रोफेसर उसको वेलकम करते हैं। वो जानते हैं कि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर सकता है। ये स्टडी हकीकत में ब्लैक होल्स थ्योरी के बारे में होती है, जो स्टीफन ने पहले से ही प्रेजेंट कर दी होती है। उसे उसके प्रोफेसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्योरी के नाम से पुकारते हैं। उस पर वो स्टीफन से पूछते हैं कि अब अगला स्टेप क्या है। स्टीफन कहता है कि अब अगला स्टेप उसे प्रूफ करना है, जो एक सिंगल एलिगेंट इक्वेशन से सब कुछ प्रूफ कर दे। वक्त चलते चलते स्टीफन की तबीयत और भी ख़राब होने लगती है। जेन उसके लिए एक व्हीलचेयर अरेंज करती है। स्टीफन खुद को हौसला देता है जेन को ये कहते हुए कि ये आलसी है। उस पर जेन कहती है कि ऑफ कोर्स। जेन स्टीफन को जंपर पहना रही होती है, तभी वो अचानक से अपने सेकंड चाइल्ड की तरफ भाग जाती है और स्टीफन का जंपर में मुंह अटक जाता है और सामने फायर जल रही होती है। उसको देखकर स्टीफन को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट डे जेन स्टीफन को यूनिवर्सिटी ले जाती है और जहाँ वो प्रोफेसर को लेक्चर देता है। वहाँ वो कहता है कुछ ब्लैक पार्टिकल्स असल में ब्लैक होल से बच निकलते हैं और इसी वजह से ब्लैक होल असल में ब्लैक नहीं है, वो गर्मी के शॉल से ब्लैक दिखता है।
यह बात सुनकर बाकी के प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं। स्टीफन कहता है आगे कि सबसे पहले स्टार ब्लैक होल में गायब हो जाता है और फिर ब्लैक होल खुद में गायब हो जाता है। यह सब कुछ सुनकर कुछ प्रोफेसर को ये नॉनसेंस लगता है और वो कहते हैं कि ये क्या नॉनसेंस है और वहाँ से चले जाते हैं। और बाकी के जो प्रोफेसर है जो स्टीफन को सुन रहे होते हैं उसमें से एक प्रोफेसर खड़ा होता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि यहाँ पे मैं नॉनसेंस ही एक्सपेक्ट करने आया हूँ और सुनने आया हूँ। तो इसी बात पर अगर स्टीफन की थ्योरी तुम लोगों को करेक्ट लगती है तो क्लैप करिए। तो सभी वहाँ पर क्लैप करते हैं और स्टीफन फेमस हो जाता है उसकी थ्योरी के लिए। उस पर हॉकिंग्स रेडिएशन नाम का बुक भी पब्लिश होता है। अब दिखाया जाता है कि जेन बहुत परेशान है और उस पर बहुत सारा बर्डन आ चुका है घर का। उस पर स्टीफन के पापा आकर बोलते हैं कि तुम वर्ल्ड में बहुत मशहूर हो चुके हो पर अब बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है जेन पर, तो तुम एक नर्स रख लो। स्टीफन घर में जेन से कहता है कि मुझे बॉर्डेक्स ओपेरा में इन्वाइट किया गया है। तो जेन उसे कहती है कि तुम जा सकते हो, तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ स्टीफन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है और वहाँ पर सेमिनार में स्टीफन को कफ होता है, उसमें से ब्लड निकलता है। तुरंत उसके लिए एक स्ट्रेचर मंगवाया जाता है, उसमें डाल के उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब ये कोमा में जा चुका है और इसके लिए इसकी गर्दन में एक होल करना पड़ेगा जो सीधा बाईपास होगा। जेन इस ऑपरेशन की इजाज़त डॉक्टर को दे देती है। उसका ऑपरेशन तो हो जाता है पर वो कुछ भी बोल नहीं सकता। अब जेन स्टीफन का ख्याल रखने के लिए एक नर्स हायर कर लेती है। वो नर्स स्टीफन के साथ बातें करने के लिए, उसको एग्री डिसएग्री करने के लिए उन्हें कहती है कि तुम आईज ब्लिंक कर सकते हो। उसके बाद वो नर्स स्टीफन को अच्छी तरीके से समझ सकती है। नर्स जेन को बताती है कि ये एक परफेक्ट पेशेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट है, तुम बहुत लकी हो। अब स्टीफन के लिए नेक्स्ट व्हील चेयर अरेंज की जाती है जिसमें उसकी हाइट एडजस्टेबल है और वो अल्फ़ाबेट स्कैन कर सकते हैं। मतलब स्टीफन हॉकिंग हर मिनट 4 वर्ड टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बात ये है कि वो जो लिखेंगे उसको वो लफ्ज़ में बदल सकता है। इस तरह स्टीफन का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हल हो जाता है। वो जेन को कहते हैं कि मैं इस सिस्टम के द्वारा एक किताब लिखूंगा जिस बुक का नाम होगा टाइम। और वो अब टाइम के बारे में सोचने लगते हैं कि टाइम का नेचर कैसे होता, वो कब स्टार्ट होता है, क्या ये ख़त्म होगा, क्या हम वक्त में वापस जा सकते हैं। किसी दिन ये सारे सवाल हमारे सामने हल हो जाएंगे कि जैसे कि अर्थ सूरज के आसपास घूम रहा है, ये वक्त हमें बताएगा। स्टीफन हर वक्त बिजी रहता है, हर वक्त वो कुछ ना कुछ क्लिक करके लिखता रहता है। वो यह लिखता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और कहता है मैं बहुत वक्त से यूनिवर्स की मॉडल की तलाश में हूँ और आखिरकार वो मुझे मिल ही गया है। स्टीफन लाइफ में भी मुस्कुराता है क्योंकि उसका नेचर ह्यूमरस होता है। और उसके बाद उसकी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी पब्लिश होती है। वो अपने करियर में पीक पर होता है एज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। और उसके बाद उस पर मीडिया रिपोर्टर्स उसके चेयर के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। साथ में उसकी नर्स एलन भी वहाँ होती है जो उसकी लुक आफ्टर करती है। यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है और इंसान की कोशिशों की भी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर ज़िंदगी बुरी नज़र आती है तो यहाँ कुछ तो है जो हमें कामयाब होने के लिए ले जाती है और हम कामयाब होते हैं। जहाँ ज़िंदगी होती है वहाँ उम्मीद होती है। ये सब सुनकर सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। उसके बाद जेन स्टीफन हॉकिंग को कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है और कहती है कि आज का दिन बहुत ही प्राउड डे है उसके लिए। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि द ब्रीफ हिस्ट्री की 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ पूरी वर्ल्ड वाइड बिकी है। फ्लैशबैक में उनकी पूरी स्टोरी की एक झलक दिखाई जाती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। और उसके बाद भी 72 ईयर ओल्ड स्टीफन हॉकिंग का रिटायर होने का कोई भी प्लान नहीं है। वो अभी भी द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर काम कर रहे हैं।